और अब दिल्ली में आज के सियासी एजेंडे की बात करते हैं। जी हां, गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग लगी और इस पर सियासत भी तेज हो गई। आज बीजेपी नेता लैंडफिल साइट पर पहुंचेंगे। कल शाम 6 बजे से आग बुझाने की कोशिशें जारी। 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। और गाजीपुर लैंडफिल साइट में एक बार फिर आग लगी है। आग को बुझाने की कोशिशें पिछले करीब 14 घंटे से जारी हैं। आपको गाजीपुर साइट की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कल रात की है जिसमें भीषण आगजनी को साफ देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तस्वीर आज सुबह की है। फायर ब्रिगेड का दावा है कि लैंडफिल में पैदा हुई गैस की वजह से यह आग लगी, जिसे कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। इस भीषण आगजनी की वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में धुआं फैल चुका है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में बेहद परेशानी हो रही है। फिलहाल आग पर काबू कब तक पाया जा सकेगा ये साफ नहीं। और चलिए अब आपको सुनाते हैं गाजीपुर में लगी इस आग को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर किस तरह से हमला बोला है। गाजीपुर लैंडफिल में फिर से आग लगी है। हाँ, वही गाजीपुर पहाड़ जो अब कुतुब मीनार से बस कुछ मीटर छोटा है, वही पहाड़ जिसे खत्म करने के वादे आम आदमी पार्टी सालों से कर रही है। अपने सीएम को बचाने के चक्कर में वो शहर के काम को भूल के जनता को अकेले छोड़कर पता नहीं कहाँ पे है। अब हमारी मांग है कि अपना सारा ड्रामा साइड पे रखें, आप दिल्ली को गाजीपुर घटना के बारे में सारी जानकारी दें और टाइमलाइन बताइए कि कब ये जहरीला पहाड़ हटेगा। बहुत बातें हो गई, अब काम करिए या किसी और को करने दीजिए। और गाजीपुर लैंडफिल साइट पर 2 दिनों से लगी आग, कल शाम से आग बुझाने की कोशिश जारी है। लैंडफिल में पैदा हुई गैस से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कहा है। और अब आज गाजीपुर जाएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव। गाजीपुर में 70 मीटर ऊंचा है कूड़े का पहाड़। 2020 में लगी आग को बुझाने में 3 दिन लगे। गाजीपुर में 2022 में भी 3 बार आग लग चुकी है। और गाजीपुर साइट पर लगी आग से आसपास के रहने वाले लोगों को कितनी परेशानी हो रही है सुनाते हैं आपको। आंखों में जलन हो रही, घर में बाहर नहीं निकल पा रहे लोग, बुरा हाल है। बच्चे उद्योग रोते हैं, निकलते हैं बाहर बच्चे, और मच्छर जितने इसकी वजह से बुरा हाल है। हम कहते हैं कि हम नरक में पड़े हैं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई सुनने को राजी नहीं है। धुआं आ रहा था, हमें खांसी हो रही थी, जैसे कि बीमारी सी लग जाती है ना, ऐसे हो रही थी। मतलब अंदर नाक में बढ़ रहा था, गंदा गंदा धुआं जला हुआ ऐसे, तो प्रदूषण बहुत फैल रहा था कल। हमारे साथ पुनित शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पुनित, क्या सिचुएशन है फिलहाल? देखिए, कल शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास इस आग की खबर फायर ब्रिगेड की टीम को लगी, कि उसके बाद पहले 4 गाड़ियों को भेजा गया और उसके बाद 10 से ज्यादा गाड़ियों को भेजा गया। पूरी रात मशक्कत की गई है आग को बुझाने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि रात का फायदा फायर ब्रिगेड को ऐसे मिला कि आग कहां कहां पर लगी है वो साइट्स फायर ब्रिगेड को पता चल चुकी है, क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा और ऐसे में आग किस जगह लगी है वो पता करना मुश्किल था। फिलहाल ये पता लग चुका है और यही वजह है कि उम्मीद की जा रही है कि शाम तक इस आग पर काफी हद तक काबू पा लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर 10 से ज्यादा फायर टेंडर्स हैं जो कि लगे हुए हैं और आग बुझाने का लगातार काम जारी है। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए।